हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब एक इंटरव्यू में पकोड़े बेचने को रोजगार बताया तो पूरे देश में इस पर बवाल शुरू हो गया था। विपक्ष से लेकर मीडिया में जब मोदी के इस बयान की आलोचना शुरू हुई तो फिर बीजेपी इस पर सफाई देने लगी, लेकिन आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने रोजगार पर एक और बयान देकर फिर से विवाद खड़ा कर दिया है। इंद्रेश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी से 5 कदम आगे चलते हुए भीख मांगने को भी एक तरह का रोजगार बताया है। एक अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक इंदौर में कलाम का भारत विषय पर आयोजित एक बैठक में इंद्रेश कुमार ने कहा, भीख मांगना भी देश के 20 करोड़ लोगों का रोजगार है। जिन्हें किसी ने रोजगार नहीं दिया उन लोगों को धर्म में रोजगार मिलता है। जिस परिवार में 5 पैसे की कमाई भी ना हो उस परिवार का दिव्यांग और दूसरे सदस्य धार्मिक स्थलों में भीख मांगकर परिवार का गुजारा करता है। ये छोटा काम नहीं है। कार्यक्रम में इंद्रेश कुमार ने मोदी के पकोड़े बेचने वाले बयान पर भी अपनी राय रखी। आरएसएस नेता ने कहा कि पकोड़ा तलना देश के 15 करोड़ से ज्यादा लोगों का व्यवसाय है और इसे हीन काम नहीं समझा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर पकोड़े बेचने को भी लोग हीन काम समझते हैं तो ये बेहद दुखद है। अब जबकि मोदी सरकार रोजगार के मोर्चे पर पहले से ही सवालों के घेरे में है, ऐसे में इंद्रेश कुमार का बयान सरकार के सामने मुश्किलें खड़ी कर सकता है। अब देखना होगा कि विपक्ष इस बयान पर किस तरह की प्रतिक्रिया देता है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।